क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार के 37 आईएएस और 26 आईपीएस अफसरों के किए गए ट्रांसफर, 15 जिलों के बदले गए डीएम। सत्ताईस साल तक एमएलए रही गायत्री देवी का हुआ निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। गया में मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर पर पार्षदों ने लगाया आरोप, उपकरणों की खरीदारी में बड़े पैमाने पर घोटाला। नालंदा शहर में निकाली गई विराट कलश शोभा यात्रा, संतों ने लोगों को गायत्री साधना करने की दी सलाह। भागलपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने बहू पर लगाया हत्या का आरोप, कहा पैसा हड़पने के लिए ली जान। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुख करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर, जहां बिहार की चर्चित राजनीतिक हस्ती गायत्री देवी का निधन हो गया है। वो नवादा से करीब 3 दशकों तक विधायक रही हैं, वह राज्य सरकार में मंत्री भी रही हैं। उन्होंने 80 साल की उम्र में पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वो यहां बीते कई दिनों से भर्ती थी और जानकारी के मुताबिक अब उनका शव नवादा ले जाया जाएगा। वहां मंगरबीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार में प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया है। बिहार के 37 आईएएस और 26 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यहाँ 15 जिलों के डीएम बदले गए हैं, इनमें से 8 जिलों के डीएम आपस में बदले गए हैं, जबकि 9 जिलों के एसपी, सिटी एसपी और एसएसपी का ट्रांसफर किया गया है। महागठबंधन बनने के बाद दूसरी बार इतने बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। वहीं ट्रांसफर की लिस्ट में सबसे चर्चित नाम जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी और दामाद का है। बेटे लिपि सिंह को सहरसा के एसपी पद से हटाया गया है। वहीं बीएमपी 2 हिंडरी ऑन सोन का कमांडेंट बनाया गया है। वहीं दामाद सुहर्ष भगत को पूर्णिया के डीएम से हटाकर औरंगाबाद का डीएम बनाया गया है। बाढ़ के पंडाराखा प्रखंड के पोखर पर गांव में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसद ललन सिंह का आगमन के साथ कार्यकर्ताओं के बीच भोज की शुरुआत होते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। बता दें कि सांसद के द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन भोज के बाद आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारी उत्साह के साथ की जाएगी। लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं के बीच भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें कई जगहों से भोज में कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। खबर बेतिया से है, जहां नगर परिषद रामनगर द्वारा सबुनी पोखरा माई स्थान के सामने सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी, सभापति गीता देवी, पति नागेंद्र साह, उपसभापति श्वेता सिंह और पति सुजल सिंह के उपस्थिति में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, विधायिका ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नारियल तोड़कर इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया है। वहीं सभापति प्रतिनिधि नागेंद्र साह और उपसभापति प्रतिनिधि सुजल सिंह ने बताया कि नगर परिषद में सम्राट अशोक भवन के निर्माण से रामनगर के लोगों को बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। जो लोग अपने बच्चों के शादी के लिए होटल या विवाह भवन का खर्च या विवाह का खर्च करने में सक्षम नहीं है, वैसे लोग इस भवन में मामूली खर्च पर अपने बच्चों का विवाह या कोई भी समारोह कर सकते हैं। हम लोग नगर परिषद के द्वारा सभापति, उपसभापति, माननीय पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा यहाँ जैसे कि हमारे राज्यसभा सांसद सतीश भैया,
और भागरथी चाची जी, किशन सवनी जी और सुनील भैया जी, इन्होंने उनके द्वारा और सब लोग मिल के हम लोगों ने ये शिलान्यास किया गया, जिसमें बहुत गणमान्य भी लोग उपस्थित थे। और ये सुविधा जो है हमारी बेटियां या बहन या हमारे भाई का शादी जो होता था, बड़े बड़े जैसे कि होटल लिया करते थे, उसमें सक्षम नहीं हो पाते थे। नई सरकार का देन है, नई नगर परिषद का देन है, सभापति महोदय का देन है, उपसभापति महोदय का देन है और पूरी टीम का देन है। इसमें कार्यपालक सभी पार्षद हमारे शामिल हैं, सभी सशक्त कमेटी है और साथ में कार्यपालक महोदय का भी अच्छा योगदान रहा है, जिसकी बदौलत 2023 में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नगर का। भागलपुर में पीरपैती प्रखंड के बाराहाट गांधी नगर में विधायक ललन कुमार सिंह के आवास पर नवनिर्वाचित भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश सिंह राठौर और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी मंडल अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष हेमंत सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा मंडल अध्यक्ष को माल्यार्पण और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। खबर गया से है, जहां नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार और पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव पर नगर निगम के पार्षदों के एक गुट ने व्यापक पैमाने पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। पार्षदों के इस गुट ने एक निजी भवन के प्रांगण में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वही प्रेस वार्ता के दौरान पार्षद राहुल कुमार ने कहा कि जब से हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं, हमारे वार्ड में एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर लगातार निगम के बैठकों को प्रभावित करने का प्रयास करते रहे हैं। इस बार उनकी हार हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो निगम के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान मेयर एवं पूर्व डिप्टी मेयर अपने चाहने वालों के वार्डों का ही विकास पर ध्यान देते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। आज हम लोग सभी पार्षद एकजुट हुए हैं और गया नगर निगम में हम लोग जीत कर 30 दिसंबर 2022 को आए हैं। उसके बाद से कोई किसी तरह का कार्य कोई वार्ड में हो नहीं रहा है और इसी के संदर्भ में हम लोग जब भी गया नगर निगम में जाते हैं काम कराने के लिए तो हमेशा टाल दिया जाता है। और नगर आयुक्त महोदया काम करना चाहती है तो उस पर अभी के निवर्तमान महापौर एवं पूर्व महापौर के दिशा के अनुसार नगर आयुक्त पर आरोप लगाया जाता है कि ये ऐसे मनमानी कर रही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। 2017 से 22 में कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जिसमें काफ़ी घोटाला इन लोग के द्वारा किया गया है, जिसका उदाहरण स्वरूप हम आप लोग को बताते हैं। ये है प्लास्टिक बैन पर 90 लाख रुपया खर्च किया गया। नगर निगम की जो बोर्ड की बैठक होती है या जब नगर निगम में हम लोग चुने हुए पार्षद आते हैं, जनता के हित के लिए आते हैं, अपने वार्ड के हित के लिए आते हैं, और हम लोग 53 वार्ड के जो वार्ड काउंसलर, अभी 2 वार्ड से चुनाव नहीं हुए, 52-51 आदमी है, 2 आदमी है, एक मेयर एक डिप्टी मेयर, 2 आदमी को छोड़कर उन लोग का केवल अपना विकास चाहिए, वार्ड के पार्षद से उन लोग को कोई मतलब नहीं है। जिसका उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ये एक्ट में है। जब कोई भी बैठक, जो मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री अगर कैबिनेट की बैठक करते हैं तो एजेंडा देता है चीफ सेक्रेटरी। नालंदा में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आयोजित होने वाले 108 कुंडिया नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ को लेकर शहर में विराट कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ सांसद कौशलेंद्र कुमार एवं हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने देव कन्याओं का पूजन करके किया है। वही कलश शोभा यात्रा में शामिल करीब 2000 महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण कर गायत्री माता का जयघोष करते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर शांति कुंज हरिद्वार से आए संतों ने कलश पूजन के माध्यम से लोगों को गायत्री साधना करने की भी सलाह दी है। स्थानीय स्तर पर गायत्री परिवार के आए हुए तमाम देवियों और सज्जनों, आज भाषण देने का दिन नहीं है। गायत्री परिवार में जो भी लोग हैं सब जानते हैं कि माँ भगवती की कृपा अपार होती है, उनके आराधना के लिए हम सब लोग आए हैं
हम भी आपसे विनती और निवेदन करेंगे कि आप यहाँ से जल उठाकर शहर के भ्रमण करते हुए भोला महादेव होते हुए फिर यही आना है। और माननीय विधायक जी ने कहा है कि सभी प्रशासन के लोग जो गायत्री परिवार में जुटे हुए हैं सब लोग सबके सहयोग से आप लोग सुरक्षित घूमते हुए यहाँ आए। और इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती कि माँ जिसके पर कृपा कर देती है उसको थोड़े कुछ होता है। खबर सहरसा से है जहां एक युवक बीते दिनों सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। दुर्घटना को लेकर उनके पिता ने बताया कि किसी रिश्तेदार के विवाह में वो जा रहा था, इस दौरान अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक मौके पर ही बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए दरभंगा ले जाया गया। वहां युवक का कुछ दिन तक इलाज चलता रहा और इलाज के ही दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम भी मच गया है। वहीं मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर अब परिजनों को सौंप भी दिया गया है। शव को परिजनों द्वारा सौर बाजार थाना लाया गया है, जहां अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर अब परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सर 2 तारीख के बाराती जा रहे। अच्छा, अब ये गाड़ी में धक्का मार लगे से तो मालूम नहीं थे सर। अच्छा, तब मालूम बाद पहुँचलिए उठा के तब सहरसा ला गेलिए। सहरसों से रिफायर कह के दरभंगा ला गेलिए सर। अच्छा, दरभंगा में 5-7 लाख टका खर्चा भए गेलै। ओहिठमा डॉक्टर के गिरानी भए गेलै हमरा पर 4 लाख। अच्छा, कहलके तुमको नौकरी खटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं तो लाश को पेशेंट को छोड़ के चला जाइए, मर जाएगा तो पुलिस कहाँ दे देंगे, बच जाएगा तो हम देख लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।